मेरा नाम तेजाराम है और राजस्थान के अजमेर जिले में काम करता हूँ। संस्था का नाम है मंथन। ये बहुत ही मतलब अजमेर से करीब 70 किलोमीटर और जयपुर से 150 किलोमीटर दूर है, जो छोटे छोटे ढाणियाँ और मतलब मुख्य गांव से 2 किलोमीटर की दूरी ढाणियाँ हैं। गांव में तो करीब स्कूल है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी, करीब करीब सभी तरह की सुविधाएँ, लेकिन 2 किलोमीटर की दूर की ढाणियों में किसी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं है। तो उन ढाणियों में वहीं के लोग किस तरीके से वो अपनी ढाणी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षित बन सकते हैं, अपने गांव में खारा पानी है तो वो खारा पानी से किस तरीके से आर ओ जैसी तकनीक जो बहुत महंगी तकनीक है खुद ट्रेंड होकर किस तरीके से अपने गांव में मीठे पानी बुला सकते हैं, बिजली नहीं है तो एक सोलर इंजन ट्रेनिंग लेके किस तरीके से अपने गाँव में सोलर ट्रेन कर सकते हैं, माँ और बच्चों की मौत को रोकने के लिए किस तरीके से हम दाई को ट्रेनिंग दे करके और माँ और बच्चों की मौत को बचा सकते हैं। तो इस तरीके की ये छोटे छोटे काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसमें प्रोफेशनल लोग और गांव बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर के गांव में नहीं पहुँच पाते हैं। तो अब हम लोग प्रोफेशनल लोगों को वहाँ बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है गाँव की ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत सहायक होते हैं। इसमें हमारा काफ़ी सारी मुश्किलें भी आती हैं और मुश्किल ये होती है कि कई सारी तकनीक है जिनको हम गांव की ज़िंदगी में जोड़ने के लिए, उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए जब लागू करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं तकनीकी योग्य आदमी चाहिए, ट्रेंड आदमी चाहिए। लेकिन उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि आर ओ प्लांट जैसी तकनीक जो बहुत महंगी और बहुत सेंसिटिव तकनीक थी, लेकिन 5 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छे तरीके से गांव के लोग उस तकनीक को चला पाते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग उसको गाँव तक पहुँचवा रहे हैं, उसको देख करके और दूसरे गाँव वाले भी होते हैं। तो किस तरीके से एक शहर का पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आदमी और गांव का जो आदमी जिसके पास अपना पुराना पुस्तैनी ज्ञान है, दोनों मिल करके किस तरीके से अपने गाँव की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस चीज़ को लेकर के हम आगे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।